What's up guys, this is Ayaaz, Kicxter, welcome back to another video. Guys, आज जो हम लोग इस tutorial के through एक move सीखने वाले हैं, वो basically दो moves का combination है, जिसका नाम है cartwheel to hook aerial. Guys, ये जो move है, बहुत ज़्यादा power generating move है, क्योंकि इसमें cartwheel जो है, वो आपको बहुत ज़्यादा momentum देती है. और ये basically आपके tricking combos के लिए बहुत ज़्यादा help करेगा आपको, बहुत ज़्यादा help करेगा आपके tricking combos में. So guys, let's get started, let's learn the cartwheel to hook aerial. So guys, आइए अब हम लोग शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का ट्यूटोरियल. Guys, basically ये जो मूव है, दो मूव का कॉम्बिनेशन है, कार्टवील और हुक एरियल. तो basically अगर आपको हुक एरियल आती है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो एक मैंने ट्यूटोरियल बनाया था, थ्री बेसिक ट्रिकिंग मूव्स का एक ट्यूटोरियल बनाया था. आई बटन पर पॉपअप हुआ होगा, आप देख सकते हो वहाँ से क्लिक करके. बेसिकली उसमें मैंने एक मूव जो था वो हुक एरियल भी सिखाई थी, तो जिनको नहीं आती है वो हुक एरियल वहाँ से सीख सकते हैं. और रही बात कार्टवील की, बहुत इजी बेसिक सिंपल फ्लिप है, अगर नहीं आती आप वो भी मेरे एक ट्यूटोरियल से सीख सकते हो, वो भी आई बटन पे पॉप अप हुआ होगा. तो बेसिकली हम लोगों का जो पहला मूव है वो है कार्टवील. तो बेसिकली अगर आप लोगों ने मेरा कार्टवील का ट्यूटोरियल देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कार्टवील जो है दो तरह की होती है, एक होती है ट्रिकिंग कार्टवील, एक होती है जिमनास्टिक्स कार्टवील. गाइस, ट्रिकिंग कार्टवील जो है वो थोड़ी सी बेंड रहती है, टेढ़ी रहती है कुछ इस तरह से. अब गाइस, इसके टेढ़े होने का रीज़न ये होता है कि बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करती है आपके नेक्स्ट मूव के लिए. आप कार्टवील के बाद बहुत सी मूव ट्राई कर सकते हो, जैसे कि हुक एरियल हो गई, फ्रंट फ्लिप हो गई, साइड फ्लिप हो गई, या फिर फुल ट्विस्ट हो गया. सो गाइस, अगर आप लोगों को कार्टवील आती है तो आप लोग पूरी तरह से रेडी हैं उसमें हुक एरियल ऐड करने के लिए. लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ तो आप पहले डायरेक्टली हुक एरियल ना ऐड करो, क्योंकि आपको थोड़ा सा डर लगेगा मारने में. तो आपको क्या करना है, आपको कार्टवील मारनी है एंड उसके बाद एक बटरफ्लाई किक मारनी है. बटरफ्लाई किक भी बहुत इजी है, अगर नहीं आती है आप मेरा ट्यूटोरियल बटरफ्लाई किक का भी चेक कर सकते हो. तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेट करने के लिए गाइस इसमें पावर स्टेप ऐड कर देंगे. पावर स्टेप कुछ इस तरह से दिखता है. तो अब मैं आप लोगों को पावर स्टेप से कार्टवील टू बटरफ्लाई किक मार के दिखाता हूँ. सो गाइज, ये हो गई हमारी कार्टवील टू बटरफ्लाई किक. गाइज, अब हम लोगों को इसको डायरेक्टली हुक एरियल में कैसे कन्वर्ट करना है. गाइज, हम लोग बटरफ्लाई किक में क्या करते हैं, हम लोग बटरफ्लाई किक में यू डिप करके बॉडी पीछे देखने लगते हैं, लेकिन हुक एरियल में क्या होता है, हम लोग बॉडी को सीधा नीचे लाते हैं एंड ग्राउंड को देखते हैं. सेम वही टेक्निक जो है हम लोगों को कार्टवील के बाद अप्लाई कर देनी है. कुछ नहीं करना है, बस कार्टवील मारी हम लोगों ने एंड यहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट नीचे देखना है, किक कर देनी है एंड अपनी पूरी अच्छी सी एरियल माननी है. तो वो जो है कुछ इस तरह से दिखेगी. आपकी इस मूव में सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है कार्टवील. गाइज, अगर आपकी कार्टवील खराब हो गई तो आपकी हुक एरियल में आपको मजा नहीं आएगा मारने में, अच्छी भी नहीं पड़ेगी. तो बेसिकली हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहली और सबसे ज्यादा मेन चीज, इसमें हम लोग एक स्टेप ऐड कर देंगे, पावर स्टेप, जिससे हमारी कार्टवील जो है और भी ज्यादा तेज पड़ेगी, जो कि ये कुछ इस तरह से होता है पावर स्टेप. इससे क्या होगा, हमारी कार्टवील जो है तेज पड़ेगी. अगर आपको पावर स्टेप से ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन क्या है, आप हुक किक ऐड कर सकते हो, स्पिनिंग हुक किक. तो वो कुछ इस तरह से दिखती है, ये आपने हुक किक मारी देन आप कार्टवील मार सकते हो. तो ये दो तरीके हैं जिससे आप अपनी कार्टवील को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ मार सकते हो. ये हो गई गाइस कार्टवील को तेज़ से तेज़ मारने की बात. अब ये बात करते हैं कि कैसे हम लोग अपनी हुक एरियल को ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ मारें, क्योंकि मूव जितनी ज़्यादा स्पीड में पड़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा. तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ यही है इसकी कि कार्टवील के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी गैप नहीं लेना है अपने हुक एरियल के लिए. अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को रोक के आराम से मारोगे तो आपकी जो हुक एरियल का मोमेंटम है वो बेकार हो जाएगा, यानी कार्टवील का जो मोमेंटम वो आपने हुक एरियल में शिफ्ट किया वो प्रॉपरली शिफ्ट नहीं हो पाएगा. तो सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जैसे ही कार्टवील मारते हो, कार्टवील के बिना रुके तुरंत आपको हुक एरियल जो है फेंक देनी है, मार देनी है. सो गाइज, ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल, कार्टवील टू हुक एरियल का ट्यूटोरियल. आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. गुड लक गाइज, गुड लक विद द ट्रेडिंग, पीस आउट.